नमस्कार, आदाब, वेलकम, खैर मकदम। मैं हूँ नदीम सरवर और आप देख रहे हैं इन्फो यूट्यूब चैनल। यूट्यूब सीखो की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। यूट्यूब सीखो एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक सामान्य से इंसान को, एक सामान्य से लड़के को एक प्रोफेशनल यूट्यूब बनाने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर हम यूट्यूब की छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले यूट्यूब सीखो श्रृंखला में 5 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं ताकि आप क्रम रूप से एक एक करके अच्छे से यूट्यूब के बारे में और अधिक जान जाएं। दोस्तों, आज की क्लास का यह विषय है कि यूट्यूब में थंबनेल, टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन क्या होता है, कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि थंबनेल क्या होता है, टाइटल क्या होता है। तो चलिए हम अपना चैनल ही खोल लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जब हम अपना चैनल खोलेंगे, कोई भी चैनल, ये चैनल हमने अपना खोल लिया। चैनल खोलने के बाद हम किसी एक वीडियो पर जाते हैं। तो दोस्तों, आपको हम दिखा दें कि यहाँ पे जो ये फ़ोटो दिख रहा है, बेसिकली वीडियो जो अंदर है वो कुछ और है, यानी कि ऐसा फ़ोटो जैसा वीडियो नहीं है, लेकिन यहाँ पे बाहर पूरा वीडियो दिख रहा है। यहाँ पे बाहर एक फ़ोटो दिख रहा है, वो फ़ोटो इस वीडियो की पूरी कहानी बता रहा है और वही फ़ोटो थंबनेल कहलाता है। ये सब चीज़ें वीडियो के अंदर तो हैं यानी, लेकिन सेम टू सेम ये फ़ोटो आपको वीडियो में नहीं मिलेगा या रेयर मिलेगा। मीन्स ये है कि एक ऐसा फ़ोटो जो इस फ़ोटो की कहानी, इस वीडियो की कहानी बनाए बताए। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा लेसन 3 में क्या लिखा है यूट्यूब सीखो में, कि पढ़ाने वाला चैनल कैसे बनाया जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इस वीडियो में ऊपर से पूरा दिख रहा है कि इसके अंदर कुछ इस प्रकार की चीज़ है, यानी पढ़ाने वाला वीडियो या उसके बारे में बताया गया है। और यही होता है यूट्यूब का थंबनेल। बेसिकली यूट्यूब का थंबनेल ऐसी चीज़ होती है जो यूज़र को देखने के बाद उसे अपनी तरफ खींचता है। आप इतना सोच लीजिए कि एक अच्छी दुकान की सजावट, यानी दुकान जितनी ज़्यादा खूबसूरत सजी रहेगी, जितनी रंग बिरंगी रहेगी, किसी भी ग्राहक को वो उतनी ज़्यादा आकर्षित करेगी, एंड दैट इज़ आवर थंबनेल। ये हो गया थंबनेल का कंसेप्ट। अब बात करते हैं हम टाइटल और डिस्क्रिप्शन की। तो जैसे मैंने BBC हिंदी का एक चैनल खोल लिया, यहाँ पर मैंने एक वीडियो सेलेक्ट कर लिया कोरोना वायरस। जैसे ही मैंने वीडियो सेलेक्ट किया, वीडियो सेलेक्ट करने के बाद जब आप इस यहाँ पे टाइटल पे क्लिक करेंगे, तो दोस्तों देखिएगा किसी भी वीडियो का टाइटल वो होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि वो बताता है कि वीडियो किस चीज़ का है। दूसरा है डिस्क्रिप्शन, यानी कि इस वीडियो में क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या इस वीडियो का कंटेंट है उसको लिख के बताया जाता है। यानी कि एक दुकान है, ये उसका एक बड़ा सा बैनर लगा है। बैनर मतलब उस दुकान के बारे में लिखा है। तो याद रखिएगा, जो भी थंबनेल आप बनाएंगे, यानी आपकी दुकान रंगीन है, अच्छी बात है, आपकी दुकान पे ग्राहक हमेशा जाएगा आपकी दुकान का बैनर देख के। यानी कि अगर मुझे चॉकलेट खानी है तो मैं सब्ज़ी की दुकान पे नहीं जाऊंगा। तो कहने का सेंस यह है कि जो टाइटल होता है वो मेन दुकान का नाम होता है, यानी कि आपके प्रोडक्ट का नाम होता है। यानी कि कोई भी बंदा, कोई भी यूज़र जब आपके चैनल पर आता है तो वो टाइटल के बदौलत ही आता है। यानी कि टाइटल के बदौलत इसलिए आता है कि वो मान लीजिए सर्च करता है कि चिकन नूडल कैसे बनाएं, और जब वो सर्च करेगा चिकन नूडल कैसे बनाएं, तो टाइटल उसमें बेहतरीन भूमिका अदा करेगी, थंबनेल भूमिका नहीं अदा करेगा। यानी हम सर्च करते हैं कि चिकन नूडल कैसे बनाएं, देखिए आप चिकन नूडल कैसे बनाएं। जब आप ऐसे सर्च करेंगे तो इसमें वही चीज़ें आएगी। देखिए जो टाइटल आप देखेंगे, ये यहाँ पर लिखी है चिकन नूडल कैसे बनाएं, और उसके बगल में उसके थंबनेल लिखे हैं। यानी कि हम क्या करेंगे कि हम टाइटल से किसी के अंदर तक पहुँचते हैं, किसी दुकान तक पहुँचते हैं, लेकिन थंबनेल हमें उस पर रोकता है। यानी जितना खूबसूरत थंबनेल रहेगा, हमें विश्वास रहता है कि वीडियो उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये हो गई टाइटल की बात, ये हो गई थंबनेल की बात। तो दो आइटम आपका क्लियर।
तीसरा रहता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन आता है जो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, यह बताता है कि टाइटल और थंबनेल बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं, उनका एक विस्तार पूर्वक अध्ययन बताता है। यानी आपने टाइटल में लिख दिया कि नूडल कैसे बनाते हैं, आपने थंबनेल में नूडल के बहुत अच्छे फ़ोटो लगा दिए, लेकिन डिस्क्रिप्शन में आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि यानी अगर आप किसी दुकान पर जाते हैं तो उस दुकान का दुकानदार बताता है उस दुकान के बारे में कि हमारी दुकान में ये है, हमारी दुकान में ऐसा है, हमारी दुकान में वैसा है। जैसे आप किसी होटल में गए और होटल में जैसे ही आप पहुँचे आपके सामने वेटर आएगा, वेटर से आप पूछेंगे कि सर आपकी स्पेसिफिकेशन क्या है, तो बताएगा कि सर हमारे यहाँ ये चीज़ें, ये नूडल, ये आइसक्रीम, ये सैंडविच, ये वेज, ये चिकन, ये मोमोज, ये हमारे यहाँ का बेस्ट आइटम्स हैं। तो वो होता है डिस्क्रिप्शन। यानी डिस्क्रिप्शन में वो पूरी बातें बताई जाती है कि जो एक वीडियो के अंदर हो रियल बात। इसके बाद आता है टैग। टैग दोस्तों जनरली हमें दिखता नहीं है, टैग वो अंदर की तरफ होता है, वो होती है एक मीनू। जैसे हम होटल में जाते हैं तो वहाँ पे जाने के बाद वेटर हमारे सामने मीनू लाता है कि भाई, वेटर से हमने कह दिया कि भाई साहब आप जाइए, आप अपनी मेनू दे दीजिए, मेन्यू जिसे बोलते हैं, या मेन्यू दे दीजिए, हम मेनू से सलेक्शन करेंगे। तो वो होता है हमारा टैग। जब कोई सर्च करता है यूट्यूब पर आपके मेन्यू में क्या है, वहाँ से वो आपके वीडियो के अंदर आता है। तो दोस्तों एक बार इसी बात को और डिस्कस करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मेरा फोकस उन लोगों की तरफ है जो टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन को गलत तरीके से समझते हैं, या टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन को बिल्कुल जानते ही नहीं हैं, या ऐसे तरीके से समझते हैं जो तरीका उनके लिए अनुपयोगी हो। तो इस बात को यहीं रोकते हैं और फिर चलते हैं हम अपनी वेबसाइट पे, जो ऐप आपको आज इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर आप एक यूट्यूबर हैं। तो जी हाँ, यहाँ पे हम आ गए अपने YouTube स्टूडियो पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप क्लिक करिएगा। ये Google की तरफ से ही बना ऐप ऑफिशियल, यानी YouTube की तरफ का ही एप्लीकेशन है, तो कोई थर्ड पार्टी नहीं है। आप सीधे विजिट पेज पर क्लिक करेंगे। याद रखिएगा क्रोम ब्राउज़र में ही आप ये काम करिएगा, क्रोम में करने के बाद फिर आप यूट्यूब स्टूडियो इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब यूट्यूब स्टूडियो मेरे मोबाइल में इंस्टॉल है, जो ऐसा कुछ दिखता है। अब हम इसको ओपन करेंगे और दोस्तों ये मैंने YouTube का अपना डिस्क्रिप्शन जो है, मैंने YouTube स्टूडियो ओपन कर लिया है। मैंने दो वीडियो अपलोड करके रखे हैं, पब्लिक करके ही रखा हुआ है। आप चाहें तो और भी वीडियो अपने हिसाब से, जो भी है, मान लीजिए आपका एक वीडियो है, आप यहाँ पे एक नए वीडियो पे क्लिक करते हैं जो वीडियो आपको चाहिए। अब क्या होता है, अब यहाँ पे जो पेंसिल बनी है इस पेंसिल पे क्लिक करना होता है। फिर इसके बाद अब हमें क्लियर तरीके से टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन और थंबनेल साफ साफ दिख रहे हैं। अब दोस्तों फिर से हम एक बार समझ लेंगे, जो बहुत ज़रूरी पॉइंट है, कि थंबनेल क्या होता है। थंबनेल होता है दुकान की सजावट। इसके बाद यहाँ पर आता है टाइटल। टाइटल होता है उस दुकान का नाम। फिर डिस्क्रिप्शन होता है कि उस दुकान में क्या क्या चीज़ मिलती है। और टैग होता है कि उस दुकान में जो चीज़ें मिलती हैं उनकी मेन्यू क्या है। मेन्यू मतलब वो क्या क्या बेचते हैं। शॉर्ट फॉर्म में आप अब इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों मैं चाहता तो एक प्रोडक्ट से कंपेयर करता, लेकिन मैं प्रोडक्ट से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। वीडियो मेरा एक सामान मैं नहीं कह रहा हूँ, वीडियो को मैं एक पूरी पूरी दुकान कह रहा हूँ, जो आपको और डीप एनालिसिस देगी, रैदर देन कि अगर आप कहते कि ये एक प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट नहीं, एक मेरे लिए दुकान है। तो चलिए अब एक तरफ से सेट करना जानते हैं। मान लीजिए मेरा यह फ़ोटो है नूडल बनाने का है। तो मैंने अपने एक बार फिर से देखेंगे, मैंने यहाँ पे वीडियो पे क्लिक किया। इसके बाद इधर एक पेंसिल है, उस पेंसिल पे क्लिक किया। पेंसिल पे क्लिक करने के बाद एक लेफ़्ट साइड में पेंसिल आएगी, उस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद क्योंकि मेरा चैनल वेरीफाई है, इसलिए मुझे कस्टम टैग लगाने की परमिशन है। दोस्तों अगर आपका चैनल वेरीफाई नहीं है, वेरीफाई नहीं होने की स्थिति में आपको कस्टम थंबनेल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप कस्टम थंबनेल देखेंगे, यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए ये मेरा नूडल का फ़ोटो है,
ये देखिए कितना सुंदर फ़ोटो है, उस फोटो को आप सेलेक्ट करेंगे तो सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो फ़ोटो है वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, जो भी आपका डिज़ायर फोटो होगा, जो आपको अच्छा फ़ोटो लगेगा। और फिर राइट साइड में सेलेक्ट का ऑप्शन है, आप इसे सेलेक्ट कर दीजिएगा। हो सकता है थोड़े बहुत चेंजेस हों क्योंकि YouTube स्टूडियो समय समय पर बदलता रहता है। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देख सकते हैं, अगर इसमें कोई अपडेट होगी तो वहाँ पर अटैच हो जाएगी। अब दोस्तों, अब मुझे लिख रहा है कि नूडल का तो फ़ोटो मैंने लगा दी, अब मैं लिखूँगा कि इंग्लिश में हाउ टू मेक वेज नूडल। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली मुझे कुछ नहीं लिखना है, एट योर होम। यहाँ पे आप इंग्लिश में ऐसे करके लिख सकते हैं कि हाउ टू मेक वेज नूडल एट योर होम। अब आया डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखिएगा हेलो फ्रेंड, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस यू, आई एम गोइंग टू टेल यू, आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू एंड वाट एवर वाट इज़ योर कंडीशन इन द वीडियो। तो आप वैसे करके लिख लीजिएगा कि हमें ये चीज़ें, हेलो फ्रेंड, या हिंदी में लिख दीजिएगा कि दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि नूडल क्या होता है, इस वीडियो में मैंने आपको पूरी तरीके से बताया है कि नूडल को आप कैसे घर पे पका सकते हैं, और जो भी आपके माइंड में आए एक डिस्क्रिप्शन, क्योंकि ये आपकी हर इंसान की क्रिएटिविटी होती है, वो उसी हिसाब से लिख सकता है। ये दो चीज़ें हो गई। अब नंबर आता है हमारा टैग का, हमें टैग लिखना है। टैग लिखना मतलब कि इसके अंदर क्या है। तो अब हमने वीडियो में क्या है, चिकन नूडल, हाउ टू मेक, एक चीज़ ये हो गई, फिर चिकन नूडल हो गया, फिर ऐसे ऐसे करके, फिर नूडल हो गया, वेज हो गया, जो भी है, मतलब आपके अंदर जो भी बातें हो, गुड हो गया, स्वादिष्ट हो गया, आप ऐसे करके मैंने इसमें लिख दिया। और इसके बाद दोस्तों आएगा नंबर, यहाँ पे देखिए, ये जब आप करेंगे वीडियो अपलोड तो वहाँ से पूछेगा कि आप प्राइवेट रखना चाहते हैं, पब्लिक करना चाहते हैं, तो बेसिकली हमें पब्लिक करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करके इसे पब्लिक कर देंगे। अगर प्लेलिस्ट में है तो वो बाद में बताएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हो गया थंबनेल, यहाँ पे है हमारा टाइटल, यहाँ पे हमने लिखा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे वीडियो का स्टेटस कि पब्लिक है, प्राइवेट है, अनलिस्ट है, और यहाँ पे हमने कर दिया अपना टैग लिख दिया। सब फाइनल हो जाएगा तो सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा, सेव कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये हो गया ओवरऑल हमारा वीडियो, जिसमें हमने पूरी तरीके से आपको समझा दिया कि थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन क्या होता है, इसको कैसे लिख सकते हैं और ये आपके लिए किस तरीके से उपयोगी है। दोस्तों अगले वीडियो में हम कुछ और बात करेंगे अपने YouTube सीखो चैप्टर में, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।